अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है व्लॉग बनाने का। सो मैंने कहा कि आपसे कुछ बातचीत भी हो जाए और आपको मैं कुछ जो है वो नई लोकेशंस भी एक्सप्लोर कराऊँ बहरीन की। सो अभी मैं जो जा रहा हूँ वो है अंसार गैलरी, ठीक है। ये काफ़ी जो है वो फेमस और काफ़ी बड़ी जो है ना एक मार्केट है, सुपर मार्केट है, जहाँ पर आज क्योंकि प्री विंटर सेल लगी हुई है और उस हवाले से कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो अभी आज 11 नवंबर है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर होता ये है कि आपको ये नहीं पता होता कि किस वक्त या किस दिन जो है वो सर्दी पड़ने वाली है। जिस तरह पाकिस्तान में तो होता है ना कि आपको जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है कि अभी जो है वो सर्दी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि मौसम का कोई पता नहीं चलता कि एक दिन बारिश होती है। तो जिस दिन यहाँ पर जो है वो बारिश होती है तो उस दिन होता है कि यहाँ पर अब सर्दी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे पता नहीं होता और गर्मी जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो गल्फ़ का जो है ना मौसम, आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब जो है वो सर्दी पड़ेगी, कब जो है वो गर्मी स्टार्ट होगी। तो आप देख लें, आज 11 नवंबर है और ये सीन है कि मेरे जो है वो पसीने जो है ना आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और हल्की हल्की जो है वो ब्रीज हो रही है, चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन जब तक हवा चलती रहेगी तब तक जो है वो गर्मी नहीं पड़ेगी। लेकिन देख लें, अभी भी जो है वो मैं पसीने से जो है वो चूर चूर हूँ। सो गाइस, अभी हम वही यतीम सेंटर के साथ हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वॉक करते जाएंगे, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको जो है वो साथ शेयर करते जाएँगे। तो मैं यतीम सेंटर से जो है वो लेफ़्ट टर्न मैंने लिया, पीछे वो यतीम सेंटर आपको नज़र आ रहा होगा, बोर्ड लगा हुआ है। और मैंने कहा यार, इस साइड से या इस प्लेस से हमने कभी भी आपको एक्सप्लोर नहीं करवाया, तो ये मैं आपके साथ 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 शेयर करता हूँ। ये जनाब बड़ा फेमस ब्रांड है रिवॉली और टाइसट वॉचेस के लिए, साथ अल हैरिस परफ्यूम्स हैं। ये नोकिया जनाब, अभी भी आपको ताजुब हो रहा होगा, ये अभी भी चल रहा है यहाँ पर, देख लें, सही है। अंदर जो है वो मिक्स है, कैनन के हैं और नोकिया के हैं, सही है। और ये एक्सचेंज एक कंपनी है, ठीक है, एक ये ट्रैवल कंपनी है। और ये साथ इसके जो है वो डोमिनोज है, ठीक है। और वो सामने जो है वो फूड वर्ल्ड है, ठीक है। और ये थाई मसाज है। सो गाइस, ये पीछे मेरे फूड वर्ल्ड है और ये मेरे सामने जो है वो NEC की एक्सचेंज है, ठीक है। और ये सामने मेरे बाबुल बहरीन है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक जो है वो बाबुल बहरीन की मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विज़िट करें और मेरी सेकंड वीडियो को जो है वो जाके वॉच करें और आपको जो है वो बड़ी एक खूबसूरत सी लोकेशन मिलेगी, ठीक है, बाबुल बहरीन की। सो और उसके बारे में जो है वो जानने का मौका मिलेगा कि क्या खूबसूरती है इस प्लेस के बारे में, ठीक है। ये सामने जो है वो पुलिस स्टेशन है और ये बाबुल बहरीन की बिल्डिंग है। ये 1949 में जो है वो हुई थी सबसे पहले इस्टेब्लिश ना। सो बड़ी जो है वो एक तारीखी बिल्डिंग है, ये चेक करें, ये चेक करें, साथ साथ जो है ना इमेजेस लगा के बताया है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सामने जो है वो है फैसल बीच है, सामने चले जाएँ और वो सारी बल्दिया की और बहरीन बे वगैरह की जो है। सो गाइस, मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर 4:50 हुए हैं और अभी हम अजान सुनते हैं और सामने मेरे बस भी आ गई है, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, सामने मेरे बहरीन पोस्ट है, यानी पोस्ट ऑफिस है बहरीन का, ठीक है। और ये सामने BFC है, ठीक है। और ये फेमस ब्रांड्स हैं, यामाहा एम्बेसडर स्टोर है और सिको है। और ये जनाब यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, ठीक है। और ये बस मेरे साथ से गुजर रही है, ठीक है। और वो सामने बाबुल बहरीन है, तो हम अभी जो है वो चलते हैं। सो मैंने यार वो पिछले वाली जो बस है ना वो मैंने स्किप कर दी है, उसकी वजह ये है कि यार आज आपको ना ये साइड भी जो है वो साथ दिखाई जाए कि यहाँ पर क्या सीन्स हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले आपके साथ ये वाली साइड जो है ना या ये वाली जो रोड है वो शेयर नहीं की। सो आज यही मैंने आइडिया बनाया कि मैं वॉकिंग टूर करूँगा टर्मिनल तक और जो जो लोकेशंस होंगे, व्यूज़ होंगे, वो तो सारे आपके साथ शेयर करूँगा। ये खूबसूरत से जो है ना ये स्टोर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स की। और वो देखें भाई साहब क्या बात है, प्ले कर रहे हैं। और ये चेक करें आप, फेमस ब्रांड्स है यामाहा, सिको
और ये सामने एक होटल है। ठीक, सो गाइस ये चेक करें आप, ये एक बड़ा प्यारा जो है वो होटल है मनामा का, और ये एक वर्ल्ड ट्रैवल सर्विस है, यूनिटेक हाउस है, और ये सामने जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ठीक है, 100 साल पुराना इसकी तारीख है। अमरूद बिल्डिंग भी देखे ना ज़रा, उससे क्या हालत हुई हुई है, उसका पेंट वगैरह भी रंग वगैरह जुड़ा हुआ। और एक ये जनाब टाइम हब शॉप है वॉचेस की, सही है, और एक ये मर्चेंट हाउस, यानी ये भी बहुत खूबसूरत जो है एक होटल है, और ये एक जो प्यारी प्यारी मस्जिद है एक। ठीक है, तो ये जी एक स्टॉल लगा हुआ बाहर परफ्यूम्स का। यहाँ पर आपको पता ही है कि अतूर जो है ना बहुत फेमस है, सही है, उसकी वजह ये है कि अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है ना अतूर ही फेमस हैं, इनकी जो एक रिवायत है। ठीक है, अरबी लोग जो है ना अतूर बहुत पसंद करते हैं। सो गाइस अभी पीछे मैंने जो है ना गल्फ वर्ल्ड होटल आपको दिखाना चाहा, लेकिन वो एक बड़ा फेमस इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, वो ये है कि पीछे शुरते खड़े थे, यानी पुलिस खड़ी थी, और उन्होंने फ़ोन जो है ना मेरे मुझे बोला कि आप जो है ना हमारी वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। सो दैट्स वाई फॉर द प्राइवेसी कंसर्न, सो वो मैंने फिर जो है ना उन्होंने बोला कि आप डिलीट कर दें, मैंने डिलीट कर दिया। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ठीक है, तो वो ये बोल रहे थे कि यार हमें और किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है, लेकिन जो है ना पुलिस आप नहीं शो करवा सकते। सो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। और एक ये बहुत खूबसूरत जो है ना होटल है, सिटी पॉइंट एक, और ये है इसका नाम है बहरीन इंटरनेशनल होटल। सो मैं आपको अभी अच्छा जी अब मैं मौजूद हूँ जी एक खूबसूरत से और बड़ा इनका जो है वो फाइव स्टार होटल है, ये वाला बहरीन इंटरनेशनल होटल। ये आप चेक कर सकते हैं यार क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, सही है, और एक ये भी जो है ना कोई इदारा है इनका, तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेसी कंसर्न्स हैं इनके। और वो सामने जो है ना देख रहे हैं आप मालाबार, ये जनाब इनका मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना है पार्टी इंडिया की। ठीक है, क्योंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं मालाबार वाले, और इनके जो है ना बहुत फेमस हैं गोल्ड और डायमंड्स, इनके डायमंड्स बहुत फेमस हैं। और जो इनके एम्बेसडर्स हैं, जो करंटली इनके एम्बेसडर्स हैं बहरीन में, वो है आलिया भट्ट और करीना कपूर खान। सो आप इसी से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो प्रीवियस थे वो थे काजल और आई थिंक माधुरी दीक्षित। सो ये बड़ी जो है ना बड़ी पार्टी है, आप ये चेक कर सकते हैं मालाबार गोल्ड। इनकी सिर्फ एक ही अच्छा इनकी जो है ना एक ही शॉप नहीं है यहाँ पर, इनकी मनामा में ही जो है ना 3 से 4 शॉप्स हैं, और जो सबसे इनकी जो मेन है और जो इनकी सबसे बड़ी शॉप है वो ये है। ठीक है, और वो उसके बाद जो है ना हम आते हैं जी जॉय लुकास पे, एक ये भी बहुत बड़ी जो है वो पार्टी है इंडिया की। ठीक है, और ये भी क्यों फेमस हैं, ये भी जो है ना गोल्ड डायमंड्स की वजह से फेमस हैं, सही है, और ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आके फिर आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि क्यों मैं इनको एक बड़ी पार्टी कह रहा हूँ, और क्योंकि और भी इनके जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि इनके गोल्ड और ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हों, वो देखें आप जो है ना इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई, इनकी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर करंटली वो है काजोल, सही है, और ये जनाब गोल्ड सिटी है। ये मैं आपको इसी वजह से जो है ना अभी विज़िट नहीं करवाऊँगा, उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ये है कि हम एक ना इसके ऊपर पर्टिकुलर वीलॉग बनाएंगे इंशाल्लाह कुछ देर में, आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा था कि हम अभी जो है ना गोल्ड सिटी के ऊपर वीलॉग नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं उसके लिए जो है एक सेपरेट वीलॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको जो है वो पूरा ये एक मॉल है गोल्ड सिटी ना, इस वजह से इसका नाम है कि ये पूरा ना एक मॉल है जिसके अंदर फेमस ब्रांड्स हैं बहरीन के। ठीक है, सिर्फ मनामा के, और जो है वो जितने भी ब्रांड्स हैं जिस तरह लाइक मालाबार हो गई या जॉय लुकास हो गया या और भी जो है ना ब्रांड्स हैं। ठीक है, अच्छा जी अभी थोड़ी दूर है। ठीक है, ये कुछ जो है वो इनकी मार्केट है, स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, सही है, और एक जनाब यहाँ पर भी होटल है इस तरफ ये रहा, सही है, रेजिडेंस के लिए, और ये सामने जो है ना वो बिल्कुल सामने टर्मिनल है, तो वहाँ पर आपके आपको जो है ना मिलता हूँ जाके। गाइस यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं जो है वो इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, और खजल खवार होता हूँ कि आप तक जो है ना बहरीन के खूबसूरत से व्यूज़ सीन्स जो है ना पहुँच सकें, और आपको चाहिए कि जो है ना ये पूरी वीडियोस जो है ना
लास्ट तक जो है वॉच किया करें, ठीक है। सो मेरी भी जो है वो एंडोर्समेंट हो सके और मुझे भी जो है वो स्पोर्ट का पता लगे कि यार आप लोग वाकई स्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें और यार प्रेस द बेल आइकन लाजमी। थैंक यू। सो गाइस मैं मनामा टर्मिनल पर आ चुका हूँ, बस टर्मिनल पर, और यहाँ से हम 18 नंबर जो है ना बस पे सवार होंगे और फिर हम जो है वो अंसार करी की तरफ रवाना होंगे, सही है। तो बाकी का जो है ना भी लोग नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जब मैं अंसार गली में पहुंचूंगा। ये जी बस टर्मिनल है, सही है, और यहाँ पर हर सिटी के हिसाब से जो है ना उनका बस नंबर लिखा हुआ है, सही है। वो कुछ जो है वो बस आ रही हैं, ठीक है, और कुछ जो है ना बस यहाँ पर खड़ी हैं वेट कर रही हैं जाने के लिए, सही है।